नमस्कार, मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं टेन्यू समय। हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के डेल्टा वन सेक्टर में। आप देखिए, आसपास देख सकते हैं, यहाँ आपको कुछ चुनावी माहौल नज़र आ रहा होगा। जी, आज यहाँ पर RWA का चुनाव है और अभी हम बातचीत करेंगे जो वर्तमान में डेल्टा वन RWA के अध्यक्ष हैं सनी भाटी जी से, और जानेंगे कि आज का जो चुनाव है किस तरह से किया जा रहा है। सर, कितनी पार्टियाँ खड़ी हैं, कितने पद के लिए चुनाव किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ पर जो है दो ही पार्टियाँ खड़ी हुई है और तीन तीन पद के लिए चुनाव होता है, अध्यक्ष पद, महासचिव पद और कोषाध्यक्ष पद। ये तीन पद के लिए चुनाव होता है। ये अध्यक्ष पद के लिए एक तरफ से जितेंद्र भाई है, दूसरी तरफ से प्रमोद भाटी जी है, दूसरा दीवान शर्मा जी है और ऋषि भाटी जी है, तीसरे जो है कोषाध्यक्ष पद पे है अपने विजय ठाकुर जी है और सतीश शर्मा जी है। सर, चुनाव कितने बजे से स्टार्ट हुआ है? ये 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो जाती है और शाम को 4 बजे 5 बजे तक हमारा टाइम रहता है। सर, अंदर जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, कौन उसको कमेटी? ये चुनाव कमेटी होती है हमारे ग्रेटर नोएडा की। मैक्सिमम जो जितनी भी RWAs के चुनाव होते हैं उसमें यही कमेटी ज़्यादातर काम करती है, सभी लोग इन्हें मिल के चुनते हैं इसको। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल दिख रहा है हमें काफ़ी लोग, माहौल ये हमारे ग्रेटर नोएडा में सबसे अच्छा जो चुनाव होता है वो RWA डेल्टा फर्स्ट का ही होता है। इसमें सबसे ज़्यादा वोट है हमारे यहाँ पे, आज के टाइम पे 1285 वोट है पूरे ग्रेटर नोएडा में, कहीं भी इतनी पोलिंग नहीं है। तो सर, कितने परसेंट वोटिंग अभी तक हो चुका है? अभी 50 से ऊपर हो गया। कितने परसेंट होने की आपको? लगभग 90% वोट होती है हमेशा यहाँ पे, 90-92%। सर, चुनावी व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन की सुविधा? पुलिस प्रशासन की सुविधा उपलब्ध है, अभी आप यहाँ से देखेंगे, अंदर जाएंगे तो हमने जो है यहाँ पे DM को भी, SSP ऑफिस में भी सभी जगह दे रखा है, उन्होंने यहाँ पे फोर्स भेज भी रखी है अपनी। तो अभी तक जो चुनाव चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से? शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है जी, और चलेगा भी शांतिपूर्ण से। तो देखिए, अभी हमने जो डेल्टा वन के RWA के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान अध्यक्ष है फिलहाल आज तक, जो सनी भाटी थे, उनसे बातचीत करी, उन्होंने हमें चुनाव के बारे में काफ़ी जानकारी दी। दो पार्टियां खड़ी हैं, तीन पदों के लिए चुनाव है और आप देख सकते हैं यहां पर जो भीड़ आपको नज़र आएगी, महिलाओं की उपस्थिति भी यहाँ काफ़ी दर्ज है, क्योंकि वोट की भागीदारी सभी की बराबर होती है। महिलाएं भी घर से बाहर निकल के आई हैं वोट डालने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर काउंटर बने हैं दोनों पार्टियों के, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, यहाँ से आप वोट डालने के लिए अंदर जा सकते हैं नेम प्लेट लेके। और आप अंदर देखेंगे यहाँ कम्युनिटी सेंटर में आपको नज़र आएंगे लोग जाते हुए। यहाँ पर एक फेडरेशन की समिति बैठी है जो चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करा रही है। अभी हालांकि 12 बजे का टाइम हुआ है और 4 बजे तक यह चुनाव यहाँ पर बंद हो जाएगा और 5 बजे पर जो अध्यक्ष या सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी या काउंटेड है, उनके नामों की घोषणा यहाँ पर हो जाएगी। अभी हम बातचीत करेंगे और लोगों से, जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, जो चुनाव चल रहा है किस प्रकार का चल रहा है? क्या नाम है आपका? जित्ते भाटी, पूरा RWA अध्यक्ष। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव होता है जी, बिल्कुल ना कोई झगड़ा होगा ना कुछ होगा, शांति से सब चुनाव निपटेगा जी। धन्यवाद जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? देवेंद्र जी। और आज का जो चुनाव है RWA का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। चुनाव बहुत फर्स्ट क्लास हो रहा है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बहुत ही अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आपके चुनाव के बारे में, आपके सेक्टर? चुनाव हमारे सेक्टर में बहुत अच्छा चल रहा है और 8 साल से हम देखते आए चुनाव सही तरीका से चलता हुआ है। देखिए, पुलिस वाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस भी सहयोग करती है, सेक्टर के सभी लोग सहयोग करते हैं। कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव करा रही है अंदर? कमेटी भी हर सहयोगी करते जाइए। आपको लग रहा है निष्पक्ष चुनाव? निष्पक्ष चुनाव हो रहा है के लिए नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर चुनाव के बारे में? बहुत बढ़िया हो रहा है, हमारे यहाँ पे कोई दंगा प्रसाद नहीं है, सब प्यार बड़े प्यार से चुनाव होता है, हर बार की तरह चुनाव बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस प्रशासन है, हमारी कमेटी है, सभी लोग पूर्णतः रूप से सहयोग कर रहे हैं, चुनाव अपने तरीके से बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका नाम क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ, सब चुनाव बड़े शांतिपूर्वक चल रहा है और सभी से सौहार्द की भावना बनाए के सब मतदान कर रहे हैं। सर, देखिए आप खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है? हमारी सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था सही करने की हमारी प्राथमिकता है। और क्या कहना चाहेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं होती है पानी की, लाइट की, सफाई का? देखिए, सफाई और सुरक्षा हमारा प्रथम मुद्दा है, उसको बिल्कुल सुदृढ़ रूप से हम सुचारू रूप चलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रमोद भाटी है, मैं अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार हूँ।
मैंने सेक्टर वासियों से यही अपील की है, इफ़ आई गेट ए चांस यू विल सी द चेंज डेफिनेटली दिस टाइम आई विल डू माई लेवल बेस्ट। ओके थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जितेंद्र भाटी एडवोकेट है। मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि 2009 से RW की स्टार्टिंग करी थी तो हमारे द्वारा करी थी और आपके बारे में तीसरी बार चुनाव में आ रहे हैं। जब हमने स्टार्टिंग करी तो इसमें 10 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते थे और अब आप देख रहे हैं बड़ी भीड़ यहाँ मेला लगा हुआ है। चुनाव का बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव होता है, शांतिपूर्ण चुनाव होता है, सबको पूरा मान सम्मान दिया जाता है। अगर आप जीतते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी सेक्टर? हम जो काम करने के जो हमारे स्टैंडर्ड होगा, जैसा आप सोसाइटी में देखते हो वो स्टैंडर्ड से हम लोग काम करेंगे। इस सेक्टर को हम सोसाइटी के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, नाम क्या आपका? मेरा दीवान शर्मा नाम है, मैं वर्तमान में महासचिव हूँ और अब दोबारा भी मैं महासचिव पद पर लड़ रहा हूँ और हमने तो बहुत अच्छा काम किया आज यहाँ पर। कोई 24 घंटे के अंदर हमने कंप्लेंट पूरी की है। कोई भी कंप्लेंट आती है आप पूछ के देखिए, किसी से भी कभी हमें निराशाजनक किसी से प्राप्त नहीं हुआ। देखिए आप वर्तमान में भी हैं, फिर से खड़े हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर जीत के आएंगे तो इस बार क्या समस्या हल करने वाले हैं? यदि जीत के आएंगे, देखो इस बार हमें तजुर्बा मिला काम करने का और भी अच्छे कार्य करेंगे हम। यहाँ आप सेक्टर के अंदर घूमोगे तो यहाँ कभी कुछ नहीं था पहले, अब बस स्टॉप बनाए हमने और हमने जो ग्रीन बेल्ट थी उसमें लाइटिंग व्यवस्था करी है और भी जो दीवारें टूटी हुई थी वो भी हमने सही करी है। मतलब इस बार आप देखिए कुछ अलग ही नज़र आएगा, जब आप दूसरी बार देखोगे तो बहुत कुछ नज़र आएगा आपको इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर विजय सिंह है। मैं वर्तमान में कोषाध्यक्ष हूँ और अभी भी कोषा पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है अगर आप जीत के आते हैं सेक्टर वासियों के लिए? अगर हम अभी जीत के आते हैं तो सबसे पहले सेक्टर की सफाई और सुरक्षा, ये मेन मुद्दा है सेक्टर का, इस पर हम काम करें और ये हमने किया भी। और क्या कहना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ऋषि पाल है, मैं महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले भी दो बार महासचिव रह चुका हूँ, अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और सेक्टर के लिए बेहतरीन कुछ करने के लिए हमने फिर दोबारा कदम बढ़ाया है। तो अगर जीत के आते हैं तो क्या इस बार स्पेशल अच्छा बनाएंगे सेक्टर को? सफाई बनाएंगे, सफाई से करेंगे ना, और जो शिकायत प्राधिकरण की है उन्हें सेक्टर की है उन्हें अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे, प्राधिकरण तक, सबके लिए भलाई के लिए खड़े हुए। सर आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे आज आपके सेक्टर में चुनाव? दीपक कुमार भाटी एडवोकेट है। मेरा कहना है कि चुनाव बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं आपको, आप सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पे गेट नोएडा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सेक्टर जो है मील का पत्थर साबित हुआ गेट नोएडा शहर के लिए, क्योंकि हमारी शुरुआत खासकर फेडरेशन का गठन भी इस सेक्टर में हुआ था और आज फेडरेशन संगठन प्रधान जी की देख रेख में चुनाव हो रहा है। सबसे पहला ऑप्टिकल फाइबर के साथ कंट्रोल रूम बनाने का काम इस सेक्टर में हुआ है। गेट नोएडा की सबसे पहली ओपन जिम इस सेक्टर में आई है, वो जो पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं उनकी तरफ से जो लगवाई गई थी और जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं RWS के लेवल पे जो नई चीज़ें लेके आ रहे हैं वो सेक्टर में होती है। तो अब ये है कि जो पैनलिस्ट में प्रमोद भाटी जी का लड़ रहा है उनसे आशा और उम्मीद है कि वो इस सेक्टर को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे और मतदाताओं की संख्या में सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा मतदाता इस सेक्टर के अंदर है। और क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या हैं जो आप चाहेंगे कि सेक्टर? नहीं, मुद्दे और समस्या तो यही है। मुद्दे सबसे पहला कि सेक्टर जो RWS का काम है, एक तो आमजन को अपने साथ जोड़ना, वेलफेयर का मतलब है कि ये विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ शहर, नया शहर है यहाँ पे आए हैं तो उनको संगठित करना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को जानेंगे आगे बढ़ेंगे तो शहर आगे बढ़ेगा। और दूसरा सबसे मुद्दा सुरक्षा वाला और सफाई वाला, बाकी जो मुद्दे हैं वो एडिशनल मुद्दे जो हैं वो कानून व्यवस्था का है, पुलिस प्रशासन का है। तो RWS का काम होता है कि वो अपनी बात को, अपने मुद्दे को पुलिस तक, प्रशासन तक, प्राधिकरण तक पहुंचाए। तो जो टीम सक्रिय रूप से इसमें कार्य करेगी या यहाँ पे रहेगी जो लोगों के बीच में, वो काम कर पाएगी और अच्छे तरीके से जीत पाएगी। थैंक यू। सर आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे आज के? संजय कुमार है, मैं डेल्टा फर्स्ट का निवासी हूँ। आज हमारे यहाँ पर चुनाव हो रहा है, चुनाव बहुत सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और इसमें हमारा प्रशासन भी सहयोग करता है, हालांकि कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है लेकिन प्रशासन सतर्क रहता है। और बाकी हमारे मुद्दे ये हैं कि जो प्रमोद भाटी जी की टीम है वो चुनाव लड़ रही है, मुझे लगता है कि शायद वही विजय प्राप्त करेंगे। तो हम उनसे उम्मीद और आशा करके ये बात के लिए हैं कि यहाँ पर सेक्टर में साफ़ सफाई, सुरक्षा, इन पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले ये सेक्टर नंबर 1 हुआ करता था, बीच में कुछ थोड़ी सी त्रुटियाँ आई, प्रॉब्लम आई, काम करने में कुछ सुस्तपन रहा,
अब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रमोद भाटी जी उसे सुचारू रूप से फिर नंबर वन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसी आशा के साथ में ये चुनाव हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ सामने यहाँ कम्युनिटी सेंटर है डेल्टा वन का, और यहाँ पर जो है ना चुनावी प्रक्रिया चल रही है, और अभी हम महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं की क्या मुद्दे हैं, किसके आधार पर वो मतदान करने के लिए यहाँ पर आई हैं। क्या नाम है आपका और आज जो मतदान करने आई हैं किन मुद्दों के आधार पर आई हैं? हम काम के पीछे। हम नाम क्या आपका मैडम? मेरा नाम मुनेश चौधरी, और हम ये चाहते हैं कि मतलब स्वच्छ रहे, अच्छा रहे, और जो भी जीते वो अच्छे से काम करे, और वोट भी काम के आधार से ही मिलती है। अगर पिछली पार्टी ने काम अच्छा किया होगा तो अच्छी वोटें मिलेगी, अगर उन्होंने काम नहीं किया होगा तो पब्लिक उनको हराएगी। और मेरा तो ये है कि काम अच्छा, जो भी पार्टी आए काम अच्छे से करे। बोल रहे हैं कि बात बोलना है। आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के मतदान के बारे में? यही कहेंगे कि जो जो इतनी गंदगी हो रही है, जो इनसे मन कूड़े की समस्या, सारी समस्या हो रही है, पेड़ की सबकी चटाई, क्या क्या के हम थक गए। हमको तो ये कह देते हैं कि नंबर ले लो, जाओ करो, तभी ये सफाई करना। जो अच्छा काम करेगा बंदा नहीं बोलता, काम चलता आदमी का, जैसा काम करेगा बंदे को ही जीतेगा। आपका नाम क्या है? गणेश भाटी। क्या कहना चाहेंगे जो आप मतदान कर? बस जो इन्हें कहा वही मैंने कहा है। तो देखिए यहाँ महिलाओं का जो मुद्दा है सेक्टर में सफाई का, कहना जो काम करेगा वही टिकेगा। और देखिए यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया चल रही है, अभी हमने यहाँ काफ़ी पदाधिकारियों से भी बातचीत की, सेक्टर वासियों से भी बातचीत, महिलाओं से बातचीत की, पुरुषों से बातचीत की, और अभी हम आपको शाम तक यहाँ नज़ारा दिखाएंगे कि कौन जीतता है। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं टेलीविजन।